पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बिहार इकाई की ओर से धोबी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिलों से धोबी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कराया। कहने को तो ये सम्मेलन धोबी समाज के अधिकारों को उठाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन धोबी समाज दो भागों में बटा हुआ नजर आया, क्योंकि मिलर हाई स्कूल मैदान से थोड़ी दूर पर ही हड़ताली मोड़ के पास एक दूसरा धोबी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री श्याम रजक को सामंतवादी बताते हुए धोबी समाज के लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता श्याम रजक धोबी समाज के अधिकारों की बात करते करते इस कदर बहक गए कि अपनी ही सरकार को न सिर्फ चुनौती दे डाली बल्कि सड़क पर उतरने का ऐलान भी कर दिया। सुनिए पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता श्याम रजक को। ये मंजिल तक पहुंचने का काम करेगा। हम उन राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम कहना चाहते हैं खबरदार हो जाइए, सचेत हो जाइए। धोबी समाज ने बहुत दिनों तक यात्रा किया है, अब यात्रा नहीं रन होगा, जीवन जय या संघर्ष होगा। अब यात्रा नहीं अब रन होगा, जीवन जय या संघर्ष होगा। बहुत दिनों तक हमने मांगा, किसने गए थे कौरवों के सभा में और कहा था दे दो 5 ग्राम, दे दो आधा आधा, नहीं तो 5 ग्राम, नहीं तो होगा संग्राम। ये कहा था, हम तो सरकार भी नहीं मांग रहे, हम तो सत्ता भी नहीं मांग रहे, हम तो करेंगे धोबियों का जो अधिकार है, आबादी के अनुसार जो हमारा हिस्सा होता है वो हिस्सा देने का काम करो, लेकिन हिस्सा भी छीनने का काम करोगे तो संघर्ष होगा। और धोबी संघर्ष करता है, क्योंकि धोबी तो दिन प्रतिदिन प्रतिदिन संघर्ष करता है। हमारे माँ दादा ने, हम लोगों ने भी सीखा है, कपड़े को आग में डालने का काम, सुबह में उठ कर करके के ठंडे में भी जा कर करके जल में उससे संघर्ष कर करके निचोड़ करके सफाई करने का काम, और उसके बाद धूप के कड़ी धूप में उसको सुखा करके फिर बिजली के आग में जल कर करके उसको सुंदर बनाने का काम करें। धोबी समाज तो संपन्न और संभ्रांत समाज स्थापित करने का काम करता है, लेकिन क्या हम सिर्फ कपड़े की सफाई करते रहेंगे? देश में जो गंदगी फैल रही है, देश में जो सांप्रदायिक तनाव फैल रहे हैं, देश में जो जातीय तनाव फैल रहे हैं, देश में आज ही हमारे नवादा नालंदा से लोग नहीं आ पाए, बहुत कम लोग आ पाए, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है ये देश का इतिहास नहीं कहता है, ये समाज नहीं कहता है। आप लोगों को कुचलने का काम करेंगे, ये कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारे समाज पर भी यह असर हुआ है। इसलिए कहना चाहते हैं कि हम सफाई सिर्फ कपड़े का ही नहीं करेंगे, हम मिलकर के आज फैसला लिए हैं कि हम देश में उस कुरूतियों का भी हम सफाई करने का काम करेंगे। राजनीति में जो कुरूतियाँ हो रही है, राजनीति में जो बड़े लोगों के द्वारा हमारे समाज के लोगों का जो अधिकार छीन कर करके जो क्रूरतियाँ हुई है, उसका भी हम संघर्ष कर करके उसको छीनने का काम करेंगे, छीन कर करके लाने का काम करेंगे। क्या कारण है? आज देश के 11 राज्यों में हमारे धोबी समाज को अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया जाता है। देश के गृह मंत्री आए हैं, लंबी लंबी बात तो करते हैं, कई मुख्यमंत्री लंबी लंबी बात कहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो। 2025 में हम पटना के गांधी मैदान को भरेंगे, और पटना के गांधी मैदान ही नहीं बल्कि पूरा पटना को भरने का काम करेंगे। हमारी आबादी 14 करोड़ इस राज्य की आबादी है, और 1.5% हमारी आबादी का हिस्सा है, तो 1.5% मतलब हम लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारी आबादी है। 1.5 करोड़ में अगर 5 लाख लोग उपस्थित हो जाएंगे, इस देश का नक्शा हम बदल देंगे, इस राज्य की भूगोल बदल देने का काम करेंगे, चाल चरित बदल देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, कहना चाहते हैं साथियों कि आप तैयार हो जाइए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। संत गाडगे बाबा क्या करते थे, जहाँ जाते थे पहले सफाई करते थे,
हमारे प्रहलाद जी ने भी और जो बिहार के धोबी समुदाय के जो हमारा समिति है उसने भी यहाँ सफाई की, सफाई कर करके मन सजाने का काम किया और आपसे भाषण सुनाने के लिए आपको एहसास कराने के लिए कि हम सब एक होकर के अपनी लड़ाई को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए तैयार हो जाइए, तैयार होकर के और लड़ाई का बिगुल फूटने का काम कीजिए। अब हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं समूह की लड़ाई लड़ेंगे और समूह की लड़ाई होगी तो धोबी समूह की लड़ाई होगी और जब हम कपड़े की सफाई करेंगे तो राज की राजनीति की भी सफाई करेंगे, राज की जो चरित्र है उसकी भी सफाई करने का काम करेंगे और एक सुसज्जित समाज लाने का काम करेंगे। जो समाज देश में न कोई नए बराबरी नहीं होगा बल्कि एकजुटता का होना होने का काम है। हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं चाहते, हम दलीय बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दल के लोगों को राजनीतिक दलों को खबरदार करना चाहते हैं। खबरदार हो जाइए, हमारे लोगों में छटपटाहट हो रही है। हम कोई ऐसी वैसी फैसला लेने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छटपटाहट होगी और उसकी कोई सीमा नहीं होगी, प्रकाष्ठा को पार करेगा तो निश्चित रूप से कोई बड़ी कड़ी फैसला लिया जाएगा जिसका खामियाजा सभी राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। इस बात को कहना चाहते हैं साथियों, इसलिए तैयार हो जाइए और इस बात को कहने का काम कीजिए। आइए चलिए और यहाँ से निकलने के बाद हर घर घर को संपर्क कीजिए, कहिए कि संत गाडगे बाबा का संदेश है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संदेश है कि हम सब एक होकर के अपने हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने का काम है। मैं जानता हूँ जब लड़ाई लड़ेंगे कई तरह का व्यवधान आएगा, कई तरह की परेशानी होगी, कई तरह के झंझावात होंगे, लेकिन उस झंझावात से झुकना नहीं है। वहीं हड़ताली मोड़ पर स्थित धोबी सम्मेलन में बिहार के कोने कोने से आए धोबी समाज के लोगों ने श्याम रजक को धोबी के नाम पर कलंक बताते हुए कहा कि उनका सम्मेलन धोबी समाज के फायदे के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के फायदे के लिए है। कौन से बात करते हैं तो बोलते हैं कि क्या पूरे बिहार के धोबियों का हम ठिक्का लेकर के बैठे हुए हैं? क्या एक राजनेता का यही बोली है कि हम धोबी बोलते हैं? सर हम रजक जी बोलते हैं, हम खुले मन से बोल रहे हैं। MLA नहीं टिकट मिला तो ये MP के टिकट के लिए सम्मेलन करवा रहे हैं, ये धोबियों के स्वाभिमान और सत्ता के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपना सत्ता सुख भोगने के लिए टिकट के लिए सम्मेलन करवा रहे हैं। मंत्री बन जाता है और कोई हम लोग का बात करते हैं तो बोलते फोन काट देते हैं, ए हम धोबी का ठीका लिए हैं। ठीका लिए हुए हैं, ठीका नहीं लिए हुए तो मिलर स्कूल में कर आज धोबी दिखाई दे रहा है, जब साता से बेखल हो गया तो धोबी समाज याद आ रहा है, बाकी धोबी समाज याद नहीं जा रहा है। आगे तो वहाँ आवाज ही उठाते थे कि हम लोग जात पात हम नहीं देखते हैं, तुम कौन हो क्या है, वो सब कुछ नहीं, समझ गए, ये चीज है धोबी के नाम पर कलंक है। तो देखा है आपने, पूर्व मंत्री और RJD नेता श्याम रजक धोबी अधिकार की बात कर रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं और उनके अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ धोबी समाज के लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। फैसला आपके हाथों में है क्योंकि जनता है जो सब कुछ जानती है। अनिल कुमार, RJD न्यूज़, पटना।